Hello everyone, I'm Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर MOS कैपेसिटर। पिछले लेक्चर में हमने आइडियल MOS के बारे में स्टडी किया था और हमने जाना था कि जब आइडियल MOS कैपेसिटर को ठीक है कई प्रकार से जो है बायस किया जाता है, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज जब उसको दिया जाता है तो उसमें जो होता है तीन केस जो है देखने को मिलता है, ठीक है। पहला होता है एक्यूमुलेशन, दूसरा होता है डिप्लेशन, तीसरा होता है इन्वर्जन। तो इस लेक्चर में हम केवल एक्यूमुलेशन केस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसके रूप में हमने पी टाइप मटेरियल को जो है लिया है, ठीक है। हम एन टाइप मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एन टाइप मटेरियल में क्या होगा, जो पी टाइप में जो पोलरिटी होगी वोल्टेज की वो जो है एन टाइप के लिए जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। व्हेन अ निगेटिव वोल्टेज Vg लेस देन जीरो वोल्टेज अप्लाइड टू द मेटल प्लेट द निगेटिव चार्ज ऑन द गेट अट्रैक्ट्स होल फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू द ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस। यहाँ पर देखिए कि जब जो MOS कैपेसिटर होता है, ठीक है, उसको जब निगेटिव सप्लाई दिया जाता है यहाँ गेट पर, और हम क्या करते हैं यहाँ पर जो बल्क टर्मिनल होता है उसको हम कन्वीनियंट के लिए, ठीक है, ग्राउंड पोटेंशियल पर रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर निगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, मेटल प्लेट पर यहाँ पर आ जाएंगे तो वो क्या करेगा, ये जो पी टाइप सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है, होल होता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब होल जो है यहाँ पर जो ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का जो ये सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर अट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है। हम जानते हैं होल पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, होल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए आइडियल MOS के लिए क्या होता है कि यदि QM क्या हो यहाँ पर, ठीक है, जो गेट पर चार्ज यहाँ पर एक्युमुलेट हुआ है वो है, और QS क्या है यहाँ जो सेमीकंडक्टर पर जो चार्ज एक्युमुलेट हुआ है वो है, तो QM प्लस QS इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। मतलब न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा आइडियल MOS के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, हम QS को यहाँ पर, ठीक है, QS इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको मॉड ऑफ QM। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये P टाइप सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है, और N टाइप सबस्ट्रेट के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूला तो सेम होगा, ठीक है। चाहे यदि N टाइप सबस्ट्रेट हो तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये उस टाइम क्या रहेगा, एन टाइप सबस्ट्रेट रहेगा। तो फॉर्मूला तो दोनों में ही सेम रहेगा, ठीक है। अभी क्या है, QM क्या है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है इस साइड जा रहा है ये, तो ये माइनस साइन में आएगा, माइनस QM, लेकिन ये चार्ज कौन सा है, ये जो है निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यदि मैं एन टाइप मटेरियल की बात करूँ तो ये क्या होगा, QM जो है पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर, ठीक है, QS क्या होगा यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा, तो QS इक्वल टू फिर से QM इधर जाएगा तो माइनस QM हो जाएगा वो फिर से, लेकिन QM क्या रहेगा एन टाइप मटेरियल के लिए, वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, QM को जो है मॉड के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पी टाइप और एन टाइप सबस्ट्रेट हम ले रहे हैं दोनों के लिए ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों ही केस में क्या होगा, आइडियल MOS के लिए क्या होगा, न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा। मतलब सेम चार्ज है यहाँ पर, सेम अमाउंट का चार्ज यहाँ पर, ठीक है, आएगा, और सेम अमाउंट का जो चार्ज है सेमीकंडक्टर ऑक्साइड सरफेस पर क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, मतलब वो न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पी टाइप के लिए ये होता है निगेटिव चार्ज, और ठीक है एन टाइप के लिए क्या होगा, ये QM पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, इसको हम मॉड में रखते हैं, ठीक है। अभी क्या है, ये जो है QM निगेटिव चार्ज है, एन टाइप के लिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम यहाँ पर मॉड में रखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इन केस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड बेंड्स अपवर्ड एंड इज क्लोजर टू द फर्मी लेवल,
ठीक है. फॉर एन आइडियल मॉस डायोड नो करेंट फ्लोज इन द स्ट्रक्चर सो दैट द फर्मी लेवल रिमेंस कॉन्स्टेंट इन द सेमी कंडक्टर सिंस द कैरियर डेंसिटी डिपेंड्स एक्सपोनेंशियली ऑन द एनर्जी डिफरेंस ई एफ माइनस ई वी दिस बैंड बेंडिंग कॉजेस एन एक्युमुलेशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स नियर द सेमी कंडक्टर सर्फेस दिस इज द एक्युमुलेशन केस. ठीक है, अब ये नोट्स के लिए आप लिख सकते हो. तो अब यहाँ पर हुआ क्या वो हम देखते हैं. ठीक है, हम जानते हैं कि आइडियल मॉस का जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है वो हमारे पास ये होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मॉस को, ठीक है, मेटल साइड में हम नेगेटिव चार्ज देते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है यहाँ पर हम, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे एक्युमुलेट हो जाएगा. मतलब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है दे रहे हैं. ठीक है, नेगेटिव चार्ज से इधर इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ पर क्या होता है, एक्युमुलेट होता है. तो यहाँ पर मेटल का जो कंडक्शन बैंड है, ठीक है, यहाँ जो मेटल का कंडक्शन बैंड है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो इसका जो फर्मी लेवल है ये क्या होगा, ऊपर जाएगा. अब देखिए हमें तो ये जो इंसुलेटर होता है ऑक्साइड, उसका फर्मी लेवल कहाँ पर होता है ये पता नहीं होता है. ठीक है, तो हम यहाँ मेटल, ठीक है, ये मेटल का है, तो मेटल से ये भी क्या है, यहाँ पर एक्युमुलेट हो रहा है चार्ज. तो इसमें का फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है, हमें पता नहीं है, तो इसमें का जो कंडक्टिविटी है वो कैसे इंक्रीज होगी, उसको हम कैसे पता करेंगे, कि इसका कंडक्शन बैंड जो होता है वो ऊपर जो है इंक्रीज करेगा. ठीक है, क्योंकि हमें इसका फर्मी लेवल जो होता है पता नहीं होता है, मतलब क्या करेगा, इसका जो कंडक्शन बैंड है वो ऊपर की हो जाएगा. ठीक है, तो इसको समझिए कि यहाँ पर क्या होता है, मेटल का फर्मी लेवल जो होता है ऊपर की ओर चला जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसको हमने निगेटिव सप्लाई दिया है इस साइड में. ठीक है, तो हमें जो यहाँ पर ऑक्साइड होता है उसका फर्मी लेवल पता नहीं होता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसका यहाँ पर उसको समझने के लिए उसका जो कंडक्शन बैंड होता है वो ऊपर की ओर चला जाएगा. ठीक है, इससे क्या प्रूफ होगा कि यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज जो है अप्लाई किया गया है, तभी ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, और ये भी ऊपर जाएगा. लेकिन यहाँ देखिए इधर जो ये होता है ये जो है ग्राउंड पोटेंशियल पर होता है. ठीक है, मतलब इसका फर्मी लेवल क्या होगा, जो सेमी कंडक्टर है उसका फर्मी लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ये, तो ठीक है, ये ग्राउंड पोटेंशियल पर रहता है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही रहेंगे. ठीक है, तो इसका फर्मी लेवल जो है वहीं पर रहेगा. तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, फिर से ये हम देखते हैं एक्युमुलेशन केस में क्या होता है, ये वही वाला है. ठीक है, एक्युमुलेशन केस में क्या होता है, यहाँ पर देखिए कि पहले फर्मी लेवल यहाँ पर था. ठीक है, ये डायग्राम सेम ही है. ठीक है, यही डायग्राम है. ठीक, ये वाला, तो देखिए ये सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल है वो वहीं पर है, लेकिन मेटल का फर्मी लेवल जो है ये इंक्रीज कर गया, यहाँ पर आ गया. ठीक है, ये डायग्राम, मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा है उसको हम देखेंगे अभी क्या है. और यहाँ जो कंडक्शन बैंड था पहले यहाँ पर था ये वाला. ठीक है, ये यहाँ पर था ये वाला, वो क्या हो गया, ऊपर की ओर जो है चला गया. ठीक है, ये वाला, लेकिन इस साइड क्या रहेगा, इस साइड सेम ही रहेगा, उतना ही रहेगा, मतलब ये ऊपर गया तो ये इतना ही है, यही पर है ये वाला. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका फर्मी लेवल ये कॉन्स्टेंट रहता है यहाँ पर. ठीक है, इसी कारण इसमें क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट फर्मी लेवल होने के कारण यहाँ पर जो है, मतलब यहाँ करंट जो है फ्लो नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पर देखिए, फॉर एन आइडियल मॉस डायोड नो करंट फ्लोस इन द स्ट्रक्चर सो दैट द फर्मी लेवल रिमेन कांस्टेंट इन द सेमीकंडक्टर. ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फर्मी लेवल जो है कांस्टेंट रहता है, क्योंकि करंट जो है फ्लो नहीं होता है. ठीक है, इधर क्या होता है, हम क्या करते हैं, बल्क साइड को ग्राउंड पोटेंशियल पर रखते हैं. लेकिन यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्युमुलेशन केस ये वाला. ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि होल जो है यहाँ पर एक्युमुलेट होते हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो होल का कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो होल का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कंडक्शन बैंड है, ठीक है, इसका ये जो है ऊपर की ओर जो है क्या करने लगता है,
यहाँ पर हाँ ऊपर की ओर क्या करने लगेगा, यह जो है ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इंट्रिंसिक जो फर्मी लेवल रहेगा वो भी ऊपर की ओर चला जाएगा और वैलेंस बैंड भी क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, होल का कंसंट्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, होल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इधर क्या रहता है, ये ग्राउंड पोटेंशियल पर है, देखिए इधर, ठीक है, ग्राउंड पोटेंशियल पर है इस साइड, ठीक है। मतलब इधर क्या होगा, पोटेंशियल फिर से कम होगा, मतलब जो होल का जो कंसंट्रेशन है इधर कम होगा फिर से, तो इधर जो है सेम रहता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है फिर से वो ग्राउंड पोटेंशियल पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन है वो बहुत अधिक है, बढ़ गया तो ये क्या होता है, बैंड जो है अपवर्ड चला जाता है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, अपवर्ड चल जाएगा, ये भी जो है अपवर्ड चला जाता है, ठीक है। फर्मी लेवल जो है कॉन्स्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पर करंट जो है फ्लो नहीं करता है। तो यहाँ पर जो होल एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है एक्यूमुलेशन केस। अब ये क्या है देखिए, ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है और जो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है, वो कैसे जो है चेंज होता है, ठीक है, एक्यूमुलेशन केस में। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं, ठीक है, जो मोस्ट कैपेसिटर है, ठीक है, यदि ये वाला मेरा क्या है, ऑक्साइड है ये वाला, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं उसकी, सबसे पहले तो उसका जो है चार्ज डेंसिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है उसका थिकनेस है टी ऑक्साइड का, ये वाला क्या है, और यहाँ से क्या होता है, ये जो है ज़ीरो से जो है, ठीक है, मेरा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये नीचे साइड क्या बता रहा है कि जो चार्ज है, ठीक है, वो जो है निगेटिव है, मतलब निगेटिव चार्ज को शो कर रहा है नीचे साइड, ठीक है, एक्स के जो है निगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। इधर क्या होगा, एक्स का निगेटिव डायरेक्शन, और इधर क्या होगा, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, ये वाला, ये ज़ीरो है तो इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए, ये ऊपर वाला क्या शो करेगा, ऊपर वाला जो भाग है वो पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जब मेटल पर, यहाँ पर, ठीक है, मेटल पर जब चार्ज जो है, ठीक है, आते हैं, इलेक्ट्रॉन जो आते हैं, निगेटिव चार्ज जब आते हैं, तो जो चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ पर जितना भी चार्ज है मेटल पर, उसको मैं क्या करता हूँ, डिनोट करता हूँ QM से, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, ये क्या है, ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड यहाँ क्या है, सेमीकंडक्टर और ऑक्साइड का जो है ये क्या है, लेयर है ये वाला, ठीक है, सरफेस है। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, QS होता है, मतलब QM क्या होता है, मेटल पर चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज नीचे की ओर बताया हूँ, ठीक, और जो QS होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है जो हमने ऊपर की ओर दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने पतला दिखाया है और इसको जो है मैंने थोड़ा, ठीक है, चौड़ा दिखा है ये वाला। ये क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है, मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। तो यदि मैं, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करूँ, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है, की बात करूँ, तो ये क्या है, मेरा सेंटीमीटर क्यूब है, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब यदि मैं यहाँ बनाऊँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मेटल में क्या होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो है 10^28 सेंटीमीटर क्यूब होता है, पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है कि 10^28 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन ये क्या है, मेरा सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है, पर सेंटीमीटर क्यूब में 10^16 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत अधिक मात्रा में है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होंगे, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत पास पास रहेंगे ये इस टाइप से। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कम है, तो थोड़े जो है ज़्यादा डिस्टेंस पर रहेंगे, कितना, ये 10^12 का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। मेटल में क्या होता है, 10^28, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है, और इसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर में 10^16 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, ठीक है, और इसमें क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस जो है दूर दूर होगा, इसी कारण इसको मैं चौड़ा बताया हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है, सेंटीमीटर पर क्यूब में, यूनिट क्यूब, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से निगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा निगेटिव डायरेक्शन में है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, एक से इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में इतना जो है, सॉरी निगेटिव डायरेक्शन में इतना जो है इंक्रीज हुआ है, मतलब इतना है ये जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इतना है यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये नीचे की ओर लिया हूँ, एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहाँ पर इतना है। लेकिन हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो इंसुलेटर होता है या ऑक्साइड होता है, ठीक है, मतलब ऑक्साइड जो होता है उसमें वो क्या होता है, वो जो है डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है, मतलब इसमें क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो ऑक्साइड में क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सेमीकंडक्टर के जो सरफेस होगा और मेटल का जो सरफेस होगा उस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, इसको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है, या फिर फ्लक्स डेंसिटीज जो होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटीज जो होता है, फ्लक्स वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पर कांस्टेंट मिला मुझे, ठीक है, लेकिन इस ऑक्साइड में जो, ठीक है, इस ऑक्साइड में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेक्टर होता है या फिर फ्लक्स डेंसिटीज, डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटीज डेंसिटीज जो होता है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब कंटिन्यू होता है, ठीक है, मतलब इसकी जो परमिटिविटी होती है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने देखा ये कैसे हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज पर, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, इक्वल टू, और जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, इसको हम देखेंगे, अभी इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटीज होता है ये जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, मतलब इसका जो है क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा यहाँ पर, ठीक है, फ्लक्स, तो ये डी ऑक्स इक्वल टू डी, ठीक है, सिलिकॉन का है, मतलब ये सेमीकंडक्टर के लिए है, ठीक है, तो डी डी इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन, ठीक है, इनटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यदि मैं इसको ऑक्साइड के लिए लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ओ एक्स हो जाएगा, और ये सेमीकंडक्टर के लिए, सिलिकॉन के लिए लिखूँ तो ये सिलिकॉन सिलिकॉन हो जाएगा, तो ई ओ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन एस आई अपॉन एप्सिलॉन ओ एक्स लिख सकता हूँ इंटू ई एस आई, ये हो जाएगा। यहाँ पर समझिए कि देखिए डी ऑक्स इक्वल टू डी एस आई है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटीज जो होता है, जो फ्लक्स होता है, ठीक है, यहाँ पर वो क्या होता है, ठीक है, इसके और इसके लिए जो है इक्वल होता है, वो जो होता है यहाँ पर जो परमिटिविटी होता है, ठीक है, मतलब जो सेमीकंडक्टर का परमिटिविटी या फिर मेटल का जो, मतलब ऑक्साइड का जो परमिटिविटी होता है उस पर जो है डिपेंड नहीं करता है ये डी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो होता है परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कैसे डिपेंड करता है उसको देखिए, ठीक है, सिलिकॉन का जो परमिटिविटी होता है वो जो होता है वो नियरली 3.9 होता है, ठीक है, और जो ऑक्साइड का जो परमिटिविटी होता है वो नियरली 11.7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि इसको नियरली 4 मानो, इसको नियरली 12 मानो, तो ये क्या हो जाएगा, 12 अपॉन, ठीक, 4, तो 4 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो, ठीक है, यहाँ पर ऑक्साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, ऑक्साइड पर वो क्या होगा,
एप्सिलॉन से क्या होगा, 3 times जो है ज़्यादा होगा, मतलब सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में जो इंटेंसिटी है उससे जो है 3 times ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर किसमें, ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्साइड का ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो सेमीकंडक्टर में जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये EOX क्या होता है, ये साइज से 3 times जो है ज़्यादा होता है। तो ये इतना था पहले, ठीक है, इस मेटल और ऑक्साइड सरफेस पर, उसके बाद क्या हुआ, ऑक्साइड के अंदर ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, ये जो है डिक्रीज होते जाता है, ठीक है, इधर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने के बाद फिर से क्या हो जाता है, इधर जब हम देखते हैं तो इधर क्या है, कम कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब चार्जेस जो है इधर कम है, और इधर क्या हो जाता है, पूरा ग्राउंड पर आते आते, मतलब बल्क टर्मिनल पर आते आते ये क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इसी को बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस कैसे होता है, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, ये जो है जब दिया जाता है निगेटिव चार्ज, तो ये इतना होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, उसके बाद ऑक्साइड के अंदर ये कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है, डिसकन्टिन्यूस होता है, ठीक, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाता है, सेमीकंडक्टर में जो है कम हो जाता है, और क्या हो जाता है, अंत में इधर जो है, ठीक है, बल्क साइड में ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा इधर, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर यदि मैं पोटेंशियल की बात करूँ, ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है ये होता है वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ए इंटू डी आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब मुझे जानना है कि ये जो वोल्टेज मैं अप्लाई किया हूँ, ये जो है निगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ इसी फॉर्मूले से हम देखेंगे, यहाँ पर आएगा, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि निगेटिव है या पॉजिटिव, ये हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए, मान लो ये वाला मेरा जो है पहले एक्स है, ठीक है, ये जो एक्स हम देख रहे हैं वो यही वाला एक्स है, यदि मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है ये इतना दिया गया, ठीक है, वोल्टेज इतना दिया गया, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, यहाँ बढ़ा है, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ घट गया। तो यहाँ पर देखिए ये इंसुलेटर है, ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से यहाँ तक गया, कम हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखिए ये क्या है, माइनस में आता है, ठीक है, माइनस, और ई क्या है हमारा, माइनस है, ई क्या है मेरा, ये निगेटिव माइनस में है, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक ये घटा, तो वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो है लिनियरली इस तरह से जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये घटा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये लिनियरली यहाँ तक बढ़ जाता है, और उसके बाद सेमीकंडक्टर सरफेस पर इधर, ठीक है, इस साइड में क्या हो जाता है, पोटेंशियल जो है ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये ग्राउंड से हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ये वी ऑक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो इंसुलेटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा वोल्टेज जो है इंसुलेटर में ड्रॉप होता है, ठीक है। और ये जो साई एस है, ये जो है सरफेस पोटेंशियल को बताता है, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ सेमीकंडक्टर और ऑक्साइड के सरफेस पर, यहाँ पर, ठीक है, मतलब इतना जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो इस सरफेस पर, ठीक है, हो रहा है सेमीकंडक्टर ऑक्साइड के सरफेस पर, वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, और नियरली यहाँ पर धीरे धीरे आते आते यहाँ पर क्या हो जाता है वो, ठीक है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो वी जी, ठीक है, जो टोटल गेट पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या होगा, वी ऑक्स प्लस साई एस के बराबर होगा। साई एस क्या होगा, यहाँ पर सरफेस पोटेंशियल होता है, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर, ठीक है, जिसके कारण ये बैंड जो है ऊपर गया है, ठीक है, उसके बराबर होता है। यहाँ पर ये यही क्या है, देखिए ये साई एस है ये वाला, ठीक है, इसको मैं क्यू साई से बताया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें एनर्जी के फॉर्म में उसको जो है बताना है, ठीक है। तो एनर्जी के फॉर्म में बताने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज को हम जानते हैं कि इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी, ठीक है। तो एनर्जी के फॉर्म में बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फर्मी लेवल इधर गया, ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज था टोटल क्या था, क्यू वी जी था, एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। और जो ये यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ठीक है, वो क्यू ऑक्स होगा, यहाँ पर जो हुआ, ठीक है, वो क्या होगा, क्यू ऑक्स होगा, मतलब ऑक्साइड में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो इसको बता रहा है, यही क्या है, ये वाला है, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में।
यहाँ पर देखिए जो साई एस है, ठीक है, साई एस यही पर जो है मतलब जो सरफेस पोटेंशियल होता है वो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल और फर्मी लेवल के जो डिफरेंस होता है उसी जो से जो है इसको मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पोटेंशियल जो होता है यहाँ ड्रॉप होता है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है ये क्या होता है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर बढ़ जाता है, मतलब ऊपर चला जाता है, ये क्यू साई एस पोटेंशियल ड्रॉप होने के कारण, ठीक है। तो ये था हमारा एक्यूमुलेशन का केस, ठीक है। अगले लेक्चर में हम डिप्लेशन केस के बारे में, ठीक है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम रहता है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।